नमस्कार दोस्तों, आई कल 19 प्रो अल्ट्रा स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। 6GB रैम से लैस 128GB आईफोन का डुप्लीकेट आईफोन की तरह दिखने वाला है स्मार्टफोन। अच्छा या बुरा या आप खुद तय कर सकते हैं, मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। हाँ, रेटिंग बहुत डाउन है इसकी, 2.5 की जो है रेटिंग मिली हुई, रेटिंग बहुत ही डाउन है इस स्मार्टफोन। ज़्यादा महंगा नहीं, 6GB रैम से लैस 128GB स्टोरेज, मैड इन इंडिया, ब्लू कलर में देखने को मिल जाएगा 8,799 रुपये की फ़ोन में। EMI पे मोबाइल फ़ोन भी खरीद सकते हैं। फेस अनलॉक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें मिल जाता है, एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, अमेजोन पर खरीद सकते हैं, 20% का ऑफ भी चल रहा है। आइए जान लेते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन। तो भाई 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, डुअल रियल कैमरा सिस्टम मिलता है, 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा मिल जाता है इसमें, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, मेड इन इंडिया, 16.5 सेंटीमीटर की डिस्प्ले यानी 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, मल्टी टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन 720x1600 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में, 6GB रैम 128GB स्टोरेज मिलती है। मेमोरी कार्ड की मदद से आप इसमें 512GB तक स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। 4G मोबाइल फ़ोन है, दोनों स्लॉट जो हैं 4G+4G एंड्रॉय 13.0 विद 1.6 पर काम करता है। GHz क्वाड कोर का जो प्रोसेसर इसमें मिलेगा, टाइप सी मिल जाती है स्मार्टफोन में देखने में। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, अनलॉक फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों चीज़ इसमें देखने को मिल जाएंगी। 1 साल की मर्फेंजर वारंटी मिल जाती है और 6 मंथ की एक्सेसरीज की तो इसमें मिल जाती है। बैटरी 5000 mAh की, जो कि केवल फोन टॉक टाइम की बात की गई है 5000 घंटे की, और फोन स्टैंड बाई टाइम की बात की गई 36 घंटे, बाकी सब कुछ और मोबाइल फ़ोन की तरह इसमें भी देखने को मिल जाएगा। यह स्मार्टफोन आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, पर भाई इसके अलावा बहुत सी कंपनियां इस प्राइस में स्मार्टफोन दे रही जो कि भरोसेमंद है, पर इस पर भरोसा किया जा सकता है। अब कैसा ये भाई मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने यह स्मार्टफोन खरीदा नहीं और नहीं चलाया है। इसके अलावा रेडमी और MI रियलमी के मोबाइल फ़ोन भी देखने को मिल जाएंगे, इसी प्राइस में मिल जाते हैं। तो भाई इसे रेटिंग बहुत डाउन है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप इस स्मार्टफोन खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं शौक के लिए। थैंक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।